राम राम सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और माता रानी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। सो मैं हूँ सपना राजपूत, सपना हिमाचली राजपूत, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, हम सुबह सुबह ही क्या करने चले गए थे, खेतों में काम कर रहे थे। आज भी लास्ट मतलब खेत बच गए थे तो उसमें काम कर रहे थे हम। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप लोग स्किप मत कीजिएगा एंड बने रहिए इसी तरह हमारे ब्लॉग पे। और आगे देखते रहिए आप लोग सभी। और देखिए, हम कर रहे थे खेतों की सफाई। और देखिए, मेरी शीश भी आ गई खेतों में आज, और मेरा बेटा सभी आ गए, बच्चे भी आ गए खेतों में, और मेरा पतिदेव खेत जोत रहे थे और शीश घास काट रही थी। और हम इसको उठा रहे थे, जो मक्की का जो जड़े होती है ये वाली, देखिए इसको उठा रहे थे। इसको हम, इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आज पहली बार हमने बैल जोते। सो देखिए, हमने पहली बार आज बैल जोते। और देखिए, हम सोनू मोनू को दे रहे थे घास अपने, और सोनू मोनू चल रहे। ऐसे हमें काम तो नहीं करना आता, बट ट्राई कर रहे थे, आज पहली बार हमने ट्राई किया। सो देखिए, सोनू मनु चल पड़े थे हमारे साथ, और देखिए कितने खुश लग रहे थे हमारे साथ। और अभी हम उठा रहे थे जो मक्की की जड़ें होती है, उनकी सफाई कर रहे थे। और मेरे बेटे के उंगली में लग गए ना, उंगली में लग गए जो मक्की की जड़ होती है इससे। और देखिए, बहुत ही खून निकल रहा था। और ये जड़ी बूटी होती है ना, इसे 2 दिनों में इससे ना मतलब घाव भर जाता है, जल्दी भर जाता है और दर्द भी खत्म हो जाता है। सो देखिए, बच्चे भी मस्ती कर रहे थे। ये प्रिंस प्रिंस दिखकर छलांग मार, अक्षय और मेरे देवर था, ये जीजू भी लगता है। और देखिए, अभी हमने उठा लिए हल। सो हल को अभी घर के लिए ले जा रहे थे हम, छोड़ने जा रहे थे। और मतलब ये लकड़ी का बना होता है और आगे से लोहे का था। कम से कम इसका वेट 10-12 किलो तो होगा ही कम से कम। और देखिए, पीछे बैल लेके आ रहा था मेरा देवर, यानी कि मेरा जीजू भी लगता है और देवर भी, दोनों रिश्ते लगते रिश्ते ऐसे। सो वो देखिए, हम लेके जा रहे थे आगे आगे और पीछे पीछे आ रहे थे। भारी तो बहुत सारा भारी था, और ऊपर जाके छोड़ना था। और ऐसे बिना चढ़ाई होती है रास्तों पे, पहाड़ी रास्तों पे चढ़ाई होती है ऊपर को, और ऊपर को मतलब ऐसे भी कोई वजन उठाने को मुश्किल हो जाती है, ऐसे थक जाता है इंसान। तो ऐसे भी हमारी गर्दन टूट रही थी एक तरफ से, और इसका ज़्यादा ही वजन था कुछ ना। सो इसलिए कभी, और आज तो धूप भी बहुत ज़्यादा थी। टाइम शायद 12 तो बज गए थे, नहीं 12:30 हो गए थे शायद। और देखिए, हम आगे थे पेड़ के नीचे, इसको यहीं पे छोड़ देते हम आधी रास्ते में ही। तो यहीं पे छोड़ देते हम इसको, देखिए छोड़ दिया अभी हमने यहाँ पे। ये अदरक का खेत है हमारा, देखिए ये वाला। तो कितना अच्छा अदरक है आजकल लगा हुआ इसमें। और देखिए, मेरी सीस बेचारी रोने लग गई थी, इसको किसी चीज ने काट लिया था, पता नहीं इसको किसी ने काट लिया था, और रोने लग गई थी बेचारी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होना था, अभी मैंने आपको बोला। तो देखिए खेतों में, देखिए हमारे खेत, और देखिए। और मैं आप लोगों को एक गाना सुनाती हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सच में धरती माँ को प्रणाम है बारंबार, जो धरती माँ ने हमें इस मतलब कि इंसान जीवन दिया, और हम धरती माँ, और मतलब धरती माँ को ना दिल से प्रणाम करते हैं। हम सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धरती माँ होती है हमारी, और जो अच्छे बुरे को मतलब सबको अपने ऊपर लेके चलती है। और देखिए, हमारे बैल पहुंच गए थे घर पे। देखिए सोनू मुनू कैसे भागते थे पीछे पीछे, मैंने इसको इनको ऐसे ही बुलाया तो ऐसे आ गए। पानी रख दिया हमने इनके पीने के लिए, और सोनू को भी देखो, मोनू को भी, दोनों लगे पीने, और हम इनको बांध रहे थे। और देखिए, मैंने इनको बांध दिया, अब इनको पानी पानी लेने जा रहे हैं। देखिए, इनको डाल दिया पानी इनके अलग अलग बाल्टी में, और एक दूसरे का जूठा नहीं पीते ना, ये जो कालू है मोनू है ना, तो बिल्कुल नहीं पीता जूठा पानी। और देखिए, इनको छाया में बांध रहे थे हम, वहाँ पे इनको धूप थी तो इनको छाया में बांध दिया। और बकरियों को भी पिला दिया हमने पानी अपने,
तो देखिए मक्कियाँ हमारी कितनी सुंदर लग रही है ना, सोने जैसा रंग। और देखिए खेतों में हम आज फिर से हमने खेतों में ना एक और खेत लगा दिया हमने लहसुन का, तो हमने ना मतलब वीडियो को भी ज़्यादा ही फास्ट फास्ट कर दिया, और नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता वीडियो। देखिए प्रतिदिन खेत का खेत की खुदाई कर रहे थे, और ये खेत जो होते हैं ना ये बैलोचनी बोलते हैं हम हाथ से। देखिए नीचे नैना आती नैना खुद जो छोटा ट्रैक्टर होता है ना पर उससे खालो खेत तो खूब हो रही है। अभी ये नहीं तीसरी में पढ़ती है नैना, देखिए छोटी नहीं बच्ची है। नहीं और अभी जा रहे थे हम खेतों में, तो शाम के बज रहे थे शायद 6 नहीं 5:30 6 के करीब हो रहा था। तो देखिए उसके बाद हम आगे घर के लिए घास लेके आगे हम घर के लिए घास लेके रास्ते में अभी जा रहे थे हम घर के लिए। तो हमने उतार दिया, पे बहुत ज़्यादा भारी था और हमने उतार दिया रास्ते पे। देखिए गोए का वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, बट्टर बोलते हैं, सो भी रख दिया हमने। और देखिए कितने अच्छे व्यूज लग रहा है हिमाचल की वादियों में, और देखिए कितने अच्छे खेत लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तभी मैंने इसका ब्लॉग डाल दिया, देखिए बहुत ही प्यारा दृश्य लग रहा है। और पहुंच के हम घर पे, और देखिए अंश प्रिंस, देखिए प्रिंस, तो प्रिंस बोलने लगा मम्मा मेरे साथ खेलो, तो मैंने बोला चलो खेलते हैं, और इसने तो मेरे सर पे मार दी जोर से इसने तो मेरे सर पे मार दी जोर से। तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर आपके पास साथ खेल लेते हैं, उसके बाद करते हैं काम हम। और देखिए प्रिंस तो खेल रहा था, अंश अंश को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे खेलना आ रहा है अभी। देखिए अंश कैसे हंस रहा है। तो देखिए अंश तो बैठ गया था नीचे, और नैना और अक्षय भी आ गए थे, शायद लड़ाई का झगड़ा कर रहे थे। तो देखिए और मेरी मम्मी जी भी आ गई, और देखिए अंश और पतिदेव देव भी एक बार बॉल खेली। देखिए अंश कैसे खेल रहा है, इसको आ रहा है खेलने अभी, ये ना शायद 2 साल का हुआ। हाँ 2 साल का हुआ अभी अंश, तो बहुत मज़ा आता है इसको फुटबॉल खेलने में, और बहुत जोर जोर से हंस रहा था ये। तो देखिए कैसे अंश खेलता है फुटबॉल, कैसे खेलता है, उल्टी तरफ ही फेंकता है अंश। और देखिए मक्की मक्की डाल दिया हमने बाहर ही आज। सो आज दशहरा था, आप सभी को दशहरे की हार्दिक बधाई है। और देखिए अंश कैसे ऊपर की तरफ खेल रहा था, कोशिश कर रहा है ना खेलने की, खेलने की कोशिश तो कर रहा है अंश। और अभी मैंने दोनों को दे दी, मैंने बोला दोनों आप खेलो अच्छे से। देखिए ऐसे ही ऊपर की ऊपर की तरह कुछ मतलब उछल रहा है, इसके सर पे मार दी प्रिंस ने। सो देखिए अभी इसको खेल